नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं और वो बहुत बड़े रोगों का कारण बन जाती है। हमें जानकारी नहीं है, हम गलतियां करते रहते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमारे शरीर में तीन तरह के दोष होते हैं, जिसे हम त्रिदोष भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। वात बिगड़ता है तो 80 से ज़्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो 46 से 50 रोग आ सकते हैं, और जब कफ बिगड़ता है तो 28 रोग आ सकते हैं। जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो 148 रोग आ सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, जिनमें प्रमुख है सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि। इसी श्रृंखला में एक नाम आता है वाग्भट ऋषि जी का, जिनकी पुस्तक में 7000 से ज़्यादा नियम वर्णित हैं। उन्हीं में से कुछ नियमों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में जठर, हम संस्कृत में बोलते हैं, इंग्लिश में हम एपिगैस्ट्रियम और हिंदी में हम अमाशय के नाम से जानते हैं, और ये हमारे नाभि के बाई साइड में स्थित है। जो भी हम खाते हैं उधर जाके स्टोर होता है। मान लीजिए हमने खाना खाया और ऊपर से हमने पानी पी लिया, तो हमारे पेट में एक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को पचाने में, खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत पावरफुल है और हमारी बहुत मदद करता है। हमने खाना खाया और पानी पी लिया तो हमारा जो पेट में एसिड है जो खाने को पचाता है, उसका पीएच लेवल बिगड़ जाएगा और खाने को डाइजेस्ट ठीक प्रकार से नहीं होगा, जिसके कारण से हमें रोग आ सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, क्या हम खाना खाने से पानी पी सकते हैं? तो आप खाना खाने से पहले पानी अवश्य पी सकते हैं। मान लीजिए आपको 12 बजे खाना खाना है तो आप 11:20 तक पानी पी सकते हैं। 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, जितना मर्जी पानी आप पी सकते हैं। सुबह आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें आप जूस ले सकते हैं। दोपहर का जो लंच करते हैं उसमें आप छाछ पी सकते हैं, आप उसमें लस्सी पी सकते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत पावरफुल है और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। रात को सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं। पानी जब भी पिए घूंट कर करके पिए, पानी को कभी भी एक साथ नहीं पीना। बहुत से लोग देखते हैं, हम गटगट करके पानी पी जाते हैं, बोतल मुंह से लगाई और सारी बोतल खत्म हो जाती है, तो ऐसे नहीं करना। पानी जब भी पिए आपको बैठ कर पीना है, घूंट कर करके पीना है, क्योंकि हमारे मुंह में एक लार होती है। जब हम पानी पियेंगे तो लार हमारे पेट में, मतलब पानी जब हम निकलेंगे तो उसके साथ में हमारे पेट में जानी चाहिए, तो बहुत सारे रोग जो होने वाले वो नहीं होंगे। हमारे मुंह में लार होती है, जो क्षारीय होती है, पेट में हमारे एसिड होता है। ठंडा पानी नहीं पीना, आप फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, आप बर्फ वाला पानी बिल्कुल ना पिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी है तो आप घड़े का पानी पिए, आप मटके का पानी पिए। अगर आप इस तरीके से अपने जीवन में यह सारी चीजें प्रयोग में लाएंगे तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। सुबह उठकर पानी अवश्य पीना चाहिए। सुबह उठे आप पानी पिए, अगर वो पानी गुनगुना करके पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सुबह गुनगुना पानी अमृत के समान बताया गया है। फ्रेश होने से पहले पानी पिए, घूट कर करके पिए, तो जब आप पानी पिएंगे तो उसके बाद आप मोशन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोशन, आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे, आपको मोशन अच्छे प्रकार से हो पाएगा, क्योंकि जो मोशन की क्रिया है वो तेज हो जाती है, इंटेस्टाइन का कार्य फास्ट हो जाता है, तो आपके पेट की जो समस्या है, आप पेट की समस्या से बहुत सालों से जूझ रहे हैं, बहुत सालों से आपको कष्ट हो रहा है, तो आप कुछ नियमों को फॉलो करेंगे तो आप इस समस्या से भी बच सकते हैं। आप अपने जीवन में इन चार नियमों को फॉलो करें, जिसमें पहला है खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिए, 40 मिनट से 1 घंटे का गैप अवश्य रखें, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। पानी जब भी पिए घूंट कर करके पिए, जैसे आपने देखा है किसी पक्षी को गटगट करके पानी पीते हुए, जब भी कोई पक्षी पिएगा पानी, जैसे चिड़िया की बात करें तो वो केवल इतना पानी अपनी चोंच में लेती है, फिर उसको निगलती है, फिर दोबारा चोंच डुबोती है, फिर लेती है,
आप कुत्ते को देखे कैसे पानी पीता है, जीभ से पानी पीता है, चाटता है पानी को। तो कभी उसको रोग होते देखा है आपने? कभी उसको शुगर होते हुए देखा है? नहीं होता उनको, कोई रोग नहीं होता। कोई हार्ट की दिक्कत होती है? नहीं होती। कोई पेट का रोग होता है? कभी नहीं होता। क्योंकि वो खाने को चबाकर खाते हैं और पानी को बड़े धीरे से पीते हैं। ठंडे पानी से बचें। मैंने जैसे बताया अभी आपको ऊपर कि ठंडा पानी आप ना पिए, पानी पिए गर्मी में तो घड़े का आप पी सकते हैं। अगर आप इस नियम को भी फॉलो करेंगे तो आपको पेट संबंधी दिक्कत नहीं होने वाली। सुबह उठते ही पानी पिए। इन चार नियमों को अगर आप अपने जीवन में नियमित रूप से लाते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। और जो रोग आ गए हैं वो भी धीरे धीरे करके आपके ठीक हो जाने वाले हैं। और रोग आने तो है ही नहीं, ये कन्फर्म है। ये मैं आपको जो मेरा 15 सालों का अनुभव है, मैंने जो इन सालों में लोगों से सीखा, मैंने लोगों को देखा, मैंने अनुभव किया, वही सारी बातें आपको आज मैं बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब बातें अवश्य पसंद आएंगी और आप इन बातों को फॉलो करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।